टेढ़ी बगिया स्थित सरकारी गौशाला में गौवंशों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। बीते दिन गौवंशों की दयनीय स्थिति को देख बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौशाला प्रांगण में जमकर हंगामा काटा। गौशाला प्रभारी ने भी पशु चिकित्सा अधिकारी पर जमकर आरोप लगाए हैं। जहां एक ओर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ गाय को मां का दर्जा दिलाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ताज नगरी में गौवंशों के साथ दुर्व्यवहार की स्थिति लगातार देखने को मिलती है। आपको बता दें कि पूरा मामला टेढ़ी बगिया स्थित सरकारी गौशाला का है, जहां गौवंशों की हालत बहुत ही दयनीय बनी हुई है। गौवंशों की चिंताजनक हालत को देखते हुए बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता गौशाला प्रांगण पहुंचे और गौवंशों का हाल जाना। गौवंशों की चिंताजनक हालतों को सुन बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। गौशाला प्रभारी ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बाद भी विभाग द्वारा कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। साथ ही बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को चेताते हुए अल्टीमेटम दिया है, यदि शीघ्र ही गौवंशों को सुविधा मुहैया नहीं कराई गई तो बजरंग दल उग्र आंदोलन को मजबूर होगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।